पहले पार्कों में और उनमें लगता था, सड़क बनाने में, पुल बनाने में, सब जगह हमारा, उसको ड्यूजेबल बोलते थे। वो ड्यूजेबल का मतलब था कि वो जहाँ भी खर्चा होगा सरकार का, उसमें हमारा भी हिस्सा उतना जुड़ जाएगा। वो हमने रुकवाया, मैं कहा इससे हमें क्या, पुल पे हमें नहीं जाना, सड़क पे हमें नहीं चलना, आप हमारा बंद कर दीजिए, लगा दीजिए बोर्ड, भाई ये सरकार के आदमी नहीं चल सकेंगे। लेकिन हमें पैसा हमारे इंडिविजुअल के ऊपर खर्च करिए, फैमिली ओरिएंटेड स्कीम पे खर्च करिए, हमारी एजुकेशन पर खर्च करिए, हमारे कारखाने लगवाइए, हमारे दूसरे उसमें डेवलपमेंट में लगाइए। अपने सबने देखा हुआ, इस समय हालात बहुत ख़राब है, तो मान लिया पक्ष के खराब हैं, लेकिन विपक्ष वाले तो उठा सकते हैं, विपक्ष वाला भी कोई सवाल नहीं उठाने को तैयार। आदमी तो हमारे वहाँ भी 131 MP जो हैं, उनमें से यदि सांसद बीजेपी के हैं तो कुछ बाकी पार्टियों के भी तो हैं, जो अपोजिशन की पार्टियाँ हैं, लेकिन कोई नहीं उठाता, या तो उनको पता नहीं सवाल क्या उठाना है, या वो जानबूझ के उठाते नहीं, डरते हैं, तो कोई तो बात होगी। दोनों बातें हैं, ना तो उनको मालूम है नंबर एक, और मालूम भी है तो उठाते नहीं हैं, और हम लोगों ने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया कि उनको बैठा करके, बुला करके, उनको कभी कहीं 10-20 को, 50 को कहीं खाने पे, चाय पे, पानी पे कहीं बुला लें, मीटिंग में बुला लें, और भाई ये समस्या है आप ये उठाइए। हम इन लोगों को, दलित लोगों को 10 साल के अंदर अंदर बराबर ले आएंगे, बार बार करते हैं ये प्रस्ताव पास, हर सरकार ने किया, लेकिन आज तक भी किसी ने कोई कदम उठाया नहीं। मैं भी कम से कम 30-40 साल से देख रहा हूँ, काफ़ी कुछ लिखा पढ़ी करता हूँ, लेकिन कुछ होता नहीं है, क्योंकि मेरी ताकत क्या है, ऐसे ही सब संस्थाओं की हालत यही है, कहीं किसी का कुछ खास होता नहीं है। संसद के सदस्य बनाने के लिए भी हमें चुनाव कराने पड़ेंगे हर स्टेट। अभी तो आप लोग सब लोग आए हैं, हमने बुलाया, हमारी रिक्वेस्ट आए हैं कि भाई जो भी हमारे समाज में बुद्धिजीवी वर्ग है वो आ जाए, इकट्ठा हो जाए, और ये शुरुआत है। मैं समझता हूँ कि 2-3 साल में हम इसको इतनी स्थिति पर आ जाएंगे कि हम लोगों को पूरे देश से सेलेक्ट करने पड़ेंगे आदमी, लेकिन आप लोगों का सहयोग रहेगा तो सरकार भी डरेगी, तभी डरेगी, बाकी का कुछ डरने का दिखाई नहीं देता। दूसरी बात, सबसे बड़ी ये बात है कि जो हमारे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको लड़ाई लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, उनके हिसाब से उनके मुद्दे हैं, लेकिन जो मुद्दे दद्दू प्रसाद जी आए हैं हमारे, तो जो मुद्दे हम लोगों के हैं वो ऐसे हैं जो कॉमन टाइप के मुद्दे हैं, वो मुद्दे कोई ना तो उनको जानता है, ना कोई उठाता है, और यदि उठाता है भी है तो उसका कोई असर नहीं आता। तो मैं ऐसी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो मैंने जिन बातों को लेकर के आपके सामने बात रखी जानी है, वो है एक जो सबसे बड़ा मुद्दा मैं लेकर चलता हूँ, बाबा साहब के सामने इन लोगों ने ये वायदा किया था जब देश आज़ाद हो रहा था। बाबा साहब उस समय थोड़ी रोक लगाए हुए थे कि देश आज़ाद होने से पहले ये तय हो कि हमारी क्या स्थिति रहेगी, मेरा सवाल कहाँ जाएगा, मेरे सवाल के लिए क्या किया जाएगा, ये अड़चन बाबा साहब ने लगा रखी थी। तो इन लोगों ने जो अपने आप को उस समय के कर्णधार थे, उन्होंने वायदा किया कि हम 10 साल के अंदर अंदर इनको दूसरे समाज के बराबर ले आएंगे, हम इनको जमीन बांट देंगे, एजुकेशन दे देंगे, नौकरी दे देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे, वायदे बहुत बड़े किए गए, लेकिन हुआ कुछ है नहीं खास। तो ऐसे ही बहका बहका करके हमको जैसे एक लुभाव दे देते हैं, बच्चों को बहका दिया, लुभाव समझते हैं ना, जो पहले बहुत लुभाव चलता था, आजकल तो लुभाव नहीं देते, पर पहले लुभाव होता था थोड़ा सा ऐसे बच्चों को बहकाने का, वो साथ हमारे साथ हुआ है। उसके साथ ही मैं आप लोगों को आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोगों ने कभी किसी ने भी, मेरे समाज के लोगों ने किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि ये ऐसे ऐसे प्रस्ताव इन्होंने 3-4 बार पास कर लिए कि हम इन लोगों को, दलित लोगों को 10 साल के अंदर अंदर बराबर ले आएंगे, बार बार करते हैं ये प्रस्ताव पास, हर सरकार ने किया, लेकिन आज तक भी किसी ने कोई कदम उठाया नहीं। मैं भी कम से कम 30-40 साल से देख रहा हूँ, काफ़ी कुछ लिखा पढ़ी करता हूँ, लेकिन कुछ होता नहीं है, क्योंकि मेरी ताकत क्या है, ऐसे ही सब संस्थाओं की हालत यही है, कहीं किसी का कुछ खास होता नहीं है। तो मैं, अब बहन जी हमारी बैठी है, बोलो
सावित्रीबाई फुले जी, हमने इनको कई सवाल उठवाए, कई लगाए पार्लियामेंट हाउस में, तो ये तो धाड़ जाती थी, इसी वजह से इनको अपनी वो भी खोनी पड़ी। खैर चलो ये तो बात है, लेकिन आज की तारीख में वहाँ सांसद जितने बैठे हैं कोई भी हमारी बात उठाने को तैयार नहीं है। आपने सबने देखा होगा इस समय हालात बहुत ख़राब है, तो मान लिया पक्ष के खराब हैं, लेकिन विपक्ष वाले तो उठा सकते हैं, विपक्ष वाला भी कोई सवाल नहीं उठाने को तैयार। आदमी तो हमारे वहाँ भी 131 MP जो हैं उनमें से यदि सांसद BJP के हैं तो कुछ बाकी पार्टियों के भी तो हैं जो अपोजिशन की पार्टियाँ हैं, लेकिन कोई नहीं उठाता, या तो उनको पता नहीं सवाल क्या उठाना है, या वो जानबूझ के उठाते नहीं, डरते हैं, तो कोई तो बात होगी। दोनों बातें हैं, ना तो उनको मालूम है नंबर एक, और मालूम भी है तो उठाते नहीं हैं, और हम लोगों ने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया को उनको बैठा करके बुला करके उनको कभी कहीं 10-20 को 50 को कहीं खाने पे चाय पे पानी पे कहीं बुला लें, मीटिंग में बुला लें, अगर भाई ये समस्या है आप ये उठाइए। हम पहले बहुत करते थे ये, तो उठवाते भी थे थोड़ा बहुत, लेकिन रिजल्ट कोई खास आया नहीं। हम लोग जब तक दबाव नहीं बनाएंगे सरकार पे तब तक कुछ होने वाला नहीं। मैंने कुछ मुद्दे लिखे हैं, मैंने जैसे अभी आपको एक मैंने अब सबको चिट्ठी भेजी है, बताया है कि इन्होंने 27 मार्च 2005 को मीटिंग बुलाई थी NDC की। NDC का मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, इस देश की सबसे बड़ी संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद, उसमें ये प्रस्ताव पास किया। प्रधानमंत्री थे हमारे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और हमारे नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ के गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, ये एज ए चीफ मिनिस्टर यहाँ भाग लिए आए 27 जून 2005 को 51वीं बैठक थी NDC की, उसमें प्रस्ताव पास किया, और अपने मनमोहन सिंह जी ने प्रस्ताव दिया, प्रस्ताव पास किया कि हम 10 साल में इनको बराबर लाएंगे। ये मेरे पास कागज़ है, जिसको भाई को चाहिए कॉपी घर से ले ले, उसे पढ़ भी ले, उसका नंबर भी। हाँ भंते जी, हमारे आदरणीय भंते जी आए हैं, मैं आग्रह करूँगा कि 2-3 सीटें उनकी, क्योंकि हमारे आदरणीय होते हैं इसलिए उनके लिए ज़रूरी है कि उनको यहाँ साथ आगे की सीट दो, आगे ले आए। तो मैं उनको जो मैंने तारीख बताई वो सब नेट पे मौजूद है, तो तब ये तय हुआ, तब ये तय हुआ कि ये फंड, मैं बहुत देर से कोशिश में था, मेरे वहाँ आदमी थे, एक हमारे आदमी थे जो IAS अफसर थे, वो प्रिंसिपल एडवाइजर बोलते हैं, प्रिंसिपल एडवाइजर थे, एक कुर्सी बनते आनंद की प्रिंसिपल एडवाइजर थे, तो उनके साथ मेरी अच्छी ट्यूनिंग थी, तो मैंने उनके साथ मिलके बैठ करके हमने सब ये तय कराया था, और वो प्रस्ताव प्रधानमंत्री के द्वारा NDC की मीटिंग में रखा गया, पास हुआ। उसमें तय हो गया कि जो फंड मिलेगा, आप सब नोट करें इस बात को, ध्यान रखें कि आबादी के अनुपात में हमारे को फंड आवंटित होगा। मैं मेरे पास पेपर है, 10-20 कॉपी में है, जो भी लेना चाहे जो लड़ाई लड़ते हैं वो लोग ले लें। तो आबादी के अनुपात में जब आवंटित होगा, आज तक नहीं हुआ, ये उन्हीं का सरकार का प्रस्ताव है, हमारा प्रस्ताव नहीं है। सरकार अपना प्रस्ताव पास करे, उन्हीं अपनी बातों को ना माने तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है। फिर ये था कि वो डाइवर्ट नहीं होगा, किसी पहले पार्कों में और उनमें लगता था सड़क बनाने में, पुल बनाने में, सब जगह हमारा, उसको ड्यूजेबल बोलते थे, वो ड्यूजेबल का मतलब था कि वो जहाँ भी खर्चा होगा सरकार का उसमें हमारा भी हिस्सा उतना जुड़ जाएगा। वो हमने रुकवाया, मैं कहा इससे हमें क्या, पुल पे हमें नहीं जाना, सड़क पे हमें नहीं चलना, आप हमारा बंद कर दीजिए, लगा दीजिए बोर्ड, भाई ये सरकार के आदमी नहीं चल सकेंगे, लेकिन हमें पैसा हमारे इंडिविजुअल के ऊपर खर्च करिए, फैमिली ओरिएंटेड स्कीम पर खर्च करिए, हमारी एजुकेशन पर खर्च करिए, हमारे कारखाने लगवाइए, हमारे दूसरे उसमें डेवलपमेंट में लगाइए, ये हमारा उनका उद्देश्य है। तो अभी इन्होंने वो लगा दिया 2005 में, ये प्रस्ताव पास हो गया कि वो ना डाइवर्टेबल है ना डेप्टेबल है। यदि हमें वो 50,000 करोड़ रुपया देते हैं और खर्च करते हैं 40,000 करोड़ रुपया, तो 10,000 करोड़ रुपया वो लेफ्ट नहीं होगा, वो कैरी फॉरवर्ड होगा अगले साल के लिए, अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। और मैं आपको बता दूँ खुशी की बात,
थोड़ी सी खुशी की बात यह है कि आज हमारा पैसा जो लेक्चेबल नहीं था वो रुक गया, 86,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास हमारा जमा है, 86,000 करोड़ रुपया आज की तारीख में जमा है। ये रिपोर्ट हमें प्लानिंग कमीशन से मिली और हमें वहाँ अपने आदमी बैठे हैं, उन्होंने बताया कि इसके लिए लड़ाई लड़ो, ये पैसा लगवाओ, कहाँ लगवाना। तो मैंने लगाने के भी चिट्ठी दी उनको, मैं कहा हमारे डॉक्टर अम्बेडकर नवोदय विद्यालय आप खोल दीजिए, हर MP हर सांसद के क्षेत्र में खोल दीजिए, तो 800 डॉक्टर अम्बेडकर नवोदय विद्यालय खुल जाएंगे, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय खुले हैं। तो हमारे हर स्कूल में 2000 बच्चों की स्ट्रेंथ रख करके आप खोलिए, तो उससे हमारे कितने बच्चे बाबा साहब के कहने के अनुसार शिक्षित बनो तो काफ़ी काम हो जाएगा। ऐसे ही मैंने उनको कहा इस 86,000 करोड़ रुपये में आप करिए, हमारी इंडस्ट्री बनाइए, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करिए, हर कम से कम राजधानी में पहले साल में हर प्रदेश की राजधानी में 2000 प्लॉट डेवलप करिए या फ्लैट फैक्ट्री बना करके हमारे लोगों को काम करने का मौका दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए और पैसा दीजिए जिससे वो आगे चले। इस तरह से हम लोग इसको लेके चल रहे हैं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि ये एक पॉइंट है जो मेन मुद्दा था जिसके ऊपर मैं आप सब लोगों को बुलाना चाह रहा था, आप इस पर बात करिए, जो पैसा आएगा वो कहाँ खर्च हो। हमारा वो क्या करते हैं, हमारा पैसा इधर उधर ऐसी जगह खर्च करते हैं जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तो हम लोगों को तो पता हो, मैंने बहुत से अपने दोस्तों कहा भाई कहाँ खर्च करवाना, मैं बुरा ना मनाए कोई साथी बैठा हो इनमें से, किसी को कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता कहाँ खर्च करना है, किधर पैसा लगाना। और जिन लोगों को पता है वो बेचारे हम लोगों तक तो पहुँच नहीं पाते, वो बात नहीं कर पाते, और उस तरह की हालात बन गए हैं कि सरकार मन मर्जी एयर कंडीशन कमरे में बैठ के उठपटांगी इसकी बनाती रहती है, वो चलता रहता है, और पैसा हमें 1/4 भी नहीं मिलता। जब उन्होंने ये वायदा किया कि हमारा पैसा आबादी के अनुपात में मिलेगा, नहीं मिला। और 10 साल में तो क्या 10 साल में एक भी स्कीम नई प्रोड्यूस नहीं हुई। तो हमने आप लोगों को सबको इसलिए बुलाया कि ये अब राष्ट्रीय स्तर पर हम इस मामले को उठाएं, और जब राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे तो सरकार भी जगेगी, उन्हें भी पता लगेगा कि हमारी समस्याएं हैं, और आप हमारी समस्या के हिसाब से तय करिए कि कौन सी योजनाएं बनानी है। तो योजनाएं हमने बना के देनी है, तो इस तरह से इसको आगे चलाना, ये बात है। बाकी मुद्दे आपके सामने बांटे गए हैं, उन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। मैंने आपको जैसे एक छोटा सा मुद्दा पहला है कि जो हमारा सुरक्षा सर्टिफिकेट है वो हर प्रदेश में मान्य नहीं है, केंद्र सरकार में तो कहीं भी जाओ मान्य है, लेकिन यदि आप चले जाओ स्टेट टू स्टेट कहीं भी जाएंगे बात करेंगे तो हमारा यूपी का सर्टिफिकेट महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, महाराष्ट्र वालों का बाहर का सर्टिफिकेट यूपी में नहीं चलेगा, दिल्ली में नहीं चलेगा, कहीं नहीं चलेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे 20-25% आदमी मूवमेंट में हैं जिनके पास कोई रोज़गार नहीं, धंधा नहीं, ज़मीन नहीं, जायदाद नहीं, तो वो सब लोग चलते हैं, वो सब मूवमेंट में रहते हैं, ऐसे आदमियों की गिनती कहीं नहीं होती। तो एक तो यदि उनकी गिनती होनी शुरू हो जाए, यदि वो सर्टिफिकेट सब जगह मान्य हो जाए, दिल्ली में 17% पॉपुलेशन बताते हैं जबकि यहाँ 32% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन क्या करें क्योंकि वो सर्टिफिकेट मानते ही नहीं। जो भी हरियाणा से आ जाए, जो भी पंजाब से आ जाए, या जो कहीं बाहर से आ जाए, कोई आंध्रा से आ जाए, या कहीं किसी भी प्रदेश से आ जाए, वो दिल्ली में मान्य नहीं है। ऐसा यूपी का, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का हरियाणा में, कहीं किसी का नहीं मानता। तो हमारा पहला मुद्दा ये कि भाई ये हर सर्टिफिकेट जैसे केंद्र सरकार की लिस्ट है, केंद्र सरकार में सब मान्य है, ऐसा ही राज्यों में मान्य है। तो इसमें कोई थोड़ी दिक्कत ज़रूर है, लेकिन उसमें सर्टिफिकेट का आकार बदला जा सकता है, वो हमने अपना हम बताएंगे, लोग जैसे सलाह आएगी सबकी सलाह सुनेंगे और हम सब एक एक करके बताएंगे। थैंक यू। तो आप लोग जितने मुद्दे पड़े हैं ये एक एक करके इन पर चर्चा के लिए आएंगे, और आज भी कल भी मुद्दे तो इतने हैं, इतने मुद्दे हैं। यदि जब एजुकेशन पर आएंगे, हमारे बीच में प्रोफेसर रतन लाल जी आए हैं, सब जानते हैं उनका अम्बेडकर नाम है, सब देखते हैं, और ये लोग बताएंगे नई एजुकेशन पॉलिसी पर बताएंगे हमें क्या करना है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे आएंगे सारे, तो मेरा आपसे आग्रह है कि एक एक मुद्दे पे सलाह दीजिए।
बताइए। वैसे हमने अपना बनाया, हम लोग लड़ रहे 200 साल से, लिखा पढ़ी भी कर रहे, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि सब सीरियसली अटेंड करें और सब सीरियसली सुने, लोगों के विचार आएंगे। कई बार एक आदमी ने कहा मेरे पास सवेरे फोन आया, वो कहने लगा जी क्रिमिनल होना चाहिए शुरूकास्ट में। मैंने कहा इंदिरा साहनी वाले केस में वहाँ पर 9 जजों की बेंच ने फैसला दिया कि शुरूकास्ट को क्रिमिनल में नहीं लाया जा सकता। फिर दूसरी बात मैंने उनको बहुत समझाया, वो नहीं जी मैं तो PIL लेके जा रहा हूँ। अरे मैं कहा तू मूर्ख है क्या, बैठे क्या यहाँ आए हैं भाई जी क्या, जरा जो सवेरे मेरे से बहस कर रहे थे है जी। अच्छा तो मैं इसमें आप लोगों से ये कहता जा रहा हूँ, मेरे को ये सन 81 में जब गुजरात से आंदोलन चला था एंटी रिजर्व मूवमेंट, तब इंदिरा जी ने मुझे बुलाया और बुला करके बैठ कर कहा कि आप जयवगान जी आप स्टार्ट करो जरा आंदोलन। मैं कहा जी क्या, तो वहाँ पर एक RN मित्तल हैं जो आजकल हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा करो खर्चा उर्चा तो ये उठा लेंगे, आप ये मामला करो कि ये रामविलास पासवान का लड़का क्यों फायदा ले, आप ये IAS अफसर का फलाने का क्यों फायदा, उन्होंने कई काम के ना। तो मैंने कहा ऐसा है मैडम, आप इतने काले दिल की हैं, जो लोग लेने के लायक है उन्हें तो तुम क्रिमिनल लगा करके बाहर निकाल दो, जो लेने के लायक नहीं है उनको कहो भाई तुम आ जाओ इन्हें देंगे, ना तुम इन्हें दोगे ना इन्हें देंगे, दोनों को निकालना चाहते हो, तुम्हारा पेट भरेगा या नहीं भरेगा, तुम्हारे पेट में और कितना चाहिए, सारा तो तुम ही खा रहे हो। इंदिरा जी को कहा मैंने मेज पर हाथ मार के, वो प्रधानमंत्री थी अब उसको तो कहना, मैं हट पर मैं जो आज के साथ आता हूँ मुझे तो आज पता लगा आप कितने काले दिल की, ऐसे ही बोला। मैंने जवान था 30 साल का मैं जवान था, तो मैंने काफ़ी उस समय उनको डांट दिया, तो वो कहे चलो कोई बात नहीं। और उस समय आंदोलन बहुत जोर पकड़ रहा था, खैर है नहीं हूँ तो कुछ लोगों के हमारे ही लोगों के ऐसे दिमाग फिरे हुए हैं, वो कह रहे कि मिनट लगाओ। अरे मैं कहा अभी तो हम 0.5% भी उस लाइन में आए नहीं, अभी तो हमारी हालत कोई सुधरी नहीं, जो उनके अमीर हैं और हमारा गरीब है उसमें लाख गुणे का अंतर है, अब छोटा मोटा अंतर नहीं। पहले ये आरक्षण तो पूरा होने दीजिए, पहले जो हमारा शेयर मिल रहा उसे तो पूरा होने दीजिए, फिर हम लड़ लेंगे ये लड़ाई है कि भाई हम लोगों को ये वो लगाई जाए, आर्थिक बंधन डाला जाए। आज अभी भी है सब जगह लोगों को पता है आय सीमा, हर जगह स्कॉलरशिप में आय सीमा, बहुत सी बातें मैं आपके सामने रखूंगा, एक एक सब्जेक्ट पे मैं रखूंगा क्योंकि बहुत समय लगेगा और चर्चा में बहुत समय लगेगा, तो मैं अभी इतना ही आपको बताना चाहता था।